सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों यहाँ पे आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस में 2021 के लिए रिक्रूटमेंट आ चुका है। दोस्तों मेरे पास यहाँ पे बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था, बहुत सारा मैसेज आ रहा था कि सर हमारे लिए 10वीं 12वीं पास या फिर फ्रेशर्स लोगों के लिए वैकेंसी की अपडेट यहाँ पे लेके आ जाइए। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए यहाँ पे आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस यानी कि बैंक में आपके लिए 10वीं 12वीं पास लोगों की वैकेंसी लेके आ चुका हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको प्रमाण सहित भी दिखाऊंगा कि यहाँ पे 10वीं 12वीं पास लोगों के लिए वैकेंसी है कि नहीं। सो गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस में बहुत कर्मचारी चाहिए। हाँ दोस्तों यहाँ पे बहुत कर्मचारी की आवश्यकता निकली है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं महिला पुरुष सभी आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे 10वीं 12वीं बीए, हाँ दोस्तों यहाँ पे 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएशन जिन्होंने किया है उन लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मौका है। यहाँ पे फ्रेशर्स लोग आवेदन कर पाएंगे। आप लोग भारतवर्ष के किसी भी राज्य किसी भी जिले से है, आप लोग यहाँ पे बहुत ही आसानी से आवेदन कर पाएंगे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपको अपने शहर या फिर अपने गाँव में भी नौकरी मिल सकता है। हाँ दोस्तों यहाँ पे आपको अपने शहर या फिर अपने गाँव में भी नौकरी मिल सकता है। यहाँ पे आपको खुद ढूंढना है, खुद सर्च करना है। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि कैसे आपको अपने शहर या फिर गांव का नाम यहाँ पे देके आप लोग डायरेक्टली अपने जगह में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, एक भी स्टेप को मिस मत करना। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारा स्टेप है, हर एक चीज को आपको यहाँ पे बारीकी से समझना होगा, इसके बाद ही आपको आवेदन करना होगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि यह जॉब जो है बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ पे आपको आवेदन करने के लिए किसी को एक पैसा देने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में बिल्कुल निशुल्क में आवेदन करना है, फ्रॉड लोगों से बचे रहना है। क्योंकि दोस्तों हमारा मानना यह है कि अगर आपके पास योग्यता है और अगर आपका नसीब अच्छा है तो आपको यहाँ पे जरूर जॉब मिल जाएगी। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए यहाँ पे 10वीं 12वीं पास लोगों के लिए जॉब वैकेंसी की अपडेट लेके आ चुका हूँ। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, तो आप लोग हमारी इस छोटी सी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना, साथ वाला नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना जॉब अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। सो गाइस मैं यहाँ पे आपको हर एक डिटेल्स जो है यहाँ पे आपको बारीकी से समझाऊंगा। यहाँ पे आपको हर एक स्टेप को समझना होगा, इसके बाद ही आवेदन करना होगा। क्योंकि दोस्तों आपको तो मालूम ही है अभी हमारे देश में कितना ज्यादा कंपटीशन है। सो गाइस आपके लिए बता दें कि यहाँ पे वैकेंसियां बहुत कम आती है और यहाँ पे कैंडिडेट बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो इसीलिए कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा टफ हो चुका है। इसीलिए आपको यहाँ पे अच्छी तरह से आवेदन करना अनिवार्य हो जाता है। पूरा वीडियो को देखिएगा, डिटेल्स को समझिएगा, इसके बाद ही यहाँ पे आवेदन कीजिएगा। यहाँ पे जो है बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि 10वीं 12वीं पास लोगों के लिए यहाँ पे नौकरियां है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस रिक्रूटमेंट 2021 10वीं 12वीं पास फ्रेशर्स अप्लाई ऑनलाइन। हाँ दोस्तों यहाँ पे फ्रेशर्स लोग आवेदन कर पाएंगे। आपको यहाँ पे ऑनलाइन ही आवेदन करना है। यहाँ पे आप लोग अपने शहर या फिर अपने गाँव में भी नौकरी ढूंढ सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे हम लोग नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा पोस्ट के नाम। तो पोस्ट के नाम की बात कर ले तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फील्ड डेवलपमेंट ऑफिसर FDO का पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट है, ये जो है ऑफिस स्टाफ के लिए है। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हाउसकीपिंग असिस्टेंट। हाँ दोस्तों यहाँ पे हाउसकीपिंग असिस्टेंट लोगों के लिए भी जॉब वैकेंसी की अपडेट यहाँ पे निकल के आ चुकी है। यहाँ पे 10वीं 12वीं हर किसी के लिए नौकरियां है। यहाँ पे अप्लाई मोड ऑनलाइन है। अभी आप लोग हमें सवाल पूछ सकते हैं कि यहाँ पे ऑनलाइन ही क्यों आवेदन करना है, तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि ऑनलाइन अगर आप लोग यहाँ पे आवेदन करेंगे तो खुद आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे आपको आवेदन करने के लिए किसी को कोई भी पैसा देने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम लोग आपके लिए जो वैकेंसियां लेके आते हैं बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल निःशुल्क में यहाँ पे लेके आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कंपनी के नाम की बात कर ले तो आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस है। ये जो जॉब कैटेगरी है यहाँ पे बैंक का जॉब है, ये माइक्रो फाइनेंस बैंक का जॉब है। इसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे कौन कौन आवेदन कर पाएंगे। तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पे जो है ऑल इंडिया के कैंडिडेट, यानी कि यहाँ पे आप लोग भारतवर्ष के किसी भी राज्य किसी भी जिले से है, आप लोग यहाँ पे अपने जगह में अपने शहर में या फिर अपने जिले में यहाँ पे जॉब ढूंढ के आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे महिला पुरुष सभी आवेदन कर पाएंगे। कैसे क्या आवेदन करना है इसको जानने के लिए आप लोग पूरा वीडियो को देखना, एक भी स्टेप को मिस मत करना। इसके बाद जॉब लोकेशन की बात कर ले तो ऑल इंडिया जॉब है, पहले ही मैंने बोल दिया है। यहाँ पे जो है आपको अपने शहर या फिर अपने गांव में भी नौकरी मिल सकता है। सो यहाँ पे ऑल इंडिया के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस जॉब 2021 एज लिमिट। तो यहाँ पे एज लिमिट की बात कर ले तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे फील्ड डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए यहाँ पे 18 साल जो है मिनिमम रखा गया है और यहाँ पे 28 साल, हाँ दोस्तों यहाँ पे 28 साल जो है यहाँ पे मैक्सिमम रखा गया है। यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट के लिए यानी कि ऑफिस स्टाफ के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 20 साल आपका मिनिमम होना चाहिए, 20 साल एज होना चाहिए मिनिमम, और यहाँ पे जो है 25 साल आपका मैक्सिमम आयु होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे हाउस कीपिंग असिस्टेंट, इसके लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है 20 साल to 30 साल, यानी कि यहाँ पे आपका मिनिमम 20 साल उम्र होना चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पे 30 साल होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा अगर आप लोग यहाँ पे SC ST है तो। दोस्तों आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, 5 साल का मिलेगा SC ST को और यहाँ पे OBC को,
3 साल का मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फीस बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल निःशुल्क में आवेदन करना है। यहाँ पे आपको जॉब पाने के लिए किसी को एक पैसा भी नहीं देना है, फ्रॉड लोगों से बचे रहना है। यहाँ पे हम लोग आपके लिए जो जॉब वैकेंसियां लेके आते हैं बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल निःशुल्क में लेके आते हैं। इसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि यहाँ पे आपका कितना योग्यता होना चाहिए। तो यहाँ पे योग्यता की बात कर लो तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे जो है कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10 पास, आपके पास कम से कम 10वीं पास का जो है यहाँ पे मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर 12वीं पास, या फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपके पास है आपको जो है यहाँ पे अपने योग्यता के अनुसार जॉब मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे बेस्ड ऑन इंटरव्यू, यानी कि यहाँ पे आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना है, कोई भी फीस नहीं देना है, यहाँ पे जो है डायरेक्ट सिलेक्शन आपका होगा, बेस्ड ऑन इंटरव्यू के आधार पे आपका होगा। तो दोस्तों अभी आपको जो है बता देते हैं आप लोगों को यहाँ पे कैसे आवेदन करना है, हर एक चीज को बारीकी से समझिएगा, इसके बाद ही यहाँ पे आवेदन कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे आधी अधूरी जानकारी लेके आवेदन मत कीजिए, आपका आवेदन अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। बाद में आप लोग मुझे ही दोष देते हैं कि ये जो फेक है, ये है, वो है। आप लोग पहले पूरा वीडियो को देखिए, इसके बाद आवेदन कीजिए, इसके बाद आपको मालूम हो जाएगा कि ये जॉब फेक है कि नहीं है। सो गाइस यहाँ पे आपको आवेदन करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे गूगल में आ जाना है, कोई भी एक अच्छा सा वेब ब्राउजर को ओपन करके आपको यहाँ पे गूगल में आ जाना है, अपने मोबाइल फोन में या फिर पीसी में। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना होगा, मैं आपको यहाँ पे जो है क्रोम ब्राउजर सजेस्ट करूंगा। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आपको सर्च कर देना होगा, क्या लिखना है यहाँ पे अच्छी तरह से देख लीजिए, JOB जॉब VALLEY, बस आपको इतना लिख देना है, जॉब वैली। लिखने के बाद आपको यहाँ पे सर्च कर देना है। अभी आप लोग हमें सवाल पूछ सकते हैं कि हमें जॉब वैली के पेज में क्यों जाना है, तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पे जॉब वैली के पेज में आपको हर एक जॉब की डिटेल्स पढ़ने को मिल जाती है, जिससे आप लोग यहाँ पे बहुत ही आसानी से आवेदन कर पाएंगे। और वहाँ पे आपको डायरेक्टली आवेदन लिंक भी मिल जाएगा, जिससे आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट करियर पेज में पहुंच जाएंगे और आप लोग यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों आप लोग यहाँ पे खुद नहीं ढूंढ सकते, इसके लिए हम लोग यहाँ पे जो है आपके आसानी के लिए यहाँ पे jobvalley.online पे ये सब अपडेट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, www.jobvalley.online पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे जो है आपके सामने जॉब वैली का ऑफिशियल पेज यहाँ पे ओपन होकर आ चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस रिक्रूटमेंट 2021 10वीं 12वीं पास जॉब फ्रेशर्स कैन अप्लाई। तो दोस्तों ये वाला जो है आपके पास ये रिक्रूटमेंट यहाँ पे आपको शो करेगा, या फिर दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे ऊपर में जाना है, और ऊपर में जाने के बाद आपको यहाँ पे जो है ऊपर में टाइप कर देना है आशीर्वाद ASHIRWAD आशीर्वाद, आपको ये बस ये टाइप करना है और यहाँ पे जो है सर्च कर देना है, आपको बस आशीर्वाद लिख के यहाँ पे सर्च कर देना है। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे आपके सामने ये जो आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस का रिक्रूटमेंट है सिर्फ ही आपके सामने यहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे। तो आपको इसमें यहाँ पे क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बाद आपके पास जो है ये आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस का रिक्रूटमेंट का ये पेज यहाँ पे ओपन होकर आ चुका है। यहाँ पे आपको हर एक डिटेल्स पढ़ने को मिल जाएगा, आपको हर एक डिटेल्स को जो है यहाँ पे पढ़ना है, इसके बाद ही आपको यहाँ पे आवेदन करना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे चले आना है, और नीचे चले आने के बाद आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे जो है दोस्तों अप्लाई लिंक मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई लिंक क्लिक है, अच्छी तरह से देख लीजिए, अप्लाई लिंक क्लिक है, ऐसा कुछ आपको मिलेगा नीचे, तो आपको इसमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। करने के बाद अगर कोई यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आता है तो इसको क्लोज कर देना है। करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों apps.ashirwad.com रिक्रूटमेंट कैंडिडेट, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस का ऑफिशियल करियर पेज है। सो गाइस हम लोग यहाँ पे आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस के ऑफिशियल पेज में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं करंट ओपनिंग बोल के लिखा हुआ रहेगा। दोस्तों हम लोग यहाँ पे आपको प्रमाण सहित दिखाते हैं, ऊपर में आपको जो है हर एक डिटेल्स दिखाते हैं, इससे आपको जो है यहाँ पे मालूम हो जाता है कि यह जॉब बिल्कुल जेन्युइन है। तो गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपने स्टेट, हाँ दोस्तों मैंने पहले बोला था आपको अपने शहर या फिर गाँव में नौकरी मिल सकता है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है आपको अपने स्टेट, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपना ब्रांच, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अपना जो है गाँव का नाम वगैरह डाल के यहाँ पे आप लोग आवेदन कर पाएंगे। सो गाइस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जस्ट मैं डेमो के लिए आपको किसी भी एक जगह के लिए दिखाऊंगा, लेकिन आपको यहाँ पे अपने जगह के अनुसार यहाँ पे जो है आपको सिलेक्ट करना है, अपने स्टेट या फिर अपने जिले के अनुसार। सो गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्ट स्टेट ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा, तो आपको इसमें क्लिक कर देना है। करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हर एक स्टेट के लिए यहाँ पे नौकरी है, आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गोवा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरला, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, हर जगह के लिए यहाँ पे नौकरियां हैं। तो गाइज मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जस्ट डेमो के लिए दिखाऊंगा, आपको क्या करना है अपने जगह के अनुसार, अपने स्टेट के अनुसार यहाँ पे सर्च करना है। मैं जैसा सर्च करके दिखा रहा हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे जो है बिहार के लिए नौकरी चाहिए, तो मैं यहाँ पे बिहार में क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद आप लोग
यहाँ पे देख सकते हैं बिहार सिलेक्ट हो चुका है। दोस्तों हर एक डिटेल्स को यहाँ पे जो है अच्छी तरह से लीजिएगा, इसके बाद ही आवेदन कीजिएगा। बिना स्किप करते हुए देखिए यहाँ पे अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो। इसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट, मैंने पहले ही बोला था अपने जिले में, अपने गाँव में, अपने शहर में आपको नौकरी मिल सकता है, तो आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। जैसे मुझे यहाँ पे भागलपुर के लिए चाहिए तो मैं यहाँ पे भागलपुर सिलेक्ट कर दूंगा। इसके बाद आपको यहाँ पे जो है कौन सा ब्रांच टाइप के लिए चाहिए, आप लोग माइक्रो फाइनेंस में यहाँ पे काम करना चाहते हैं, गोल्ड लोन में यहाँ पे काम करना चाहते हैं, या फिर एमएसएमई में काम करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस में काम करना चाहता हूँ तो मैं इसमें क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अपना जो है यहाँ पे गाँव का नाम भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि सिलेक्ट ब्रांच। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं भागलपुर ही सिलेक्ट कर दूंगा। करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे जो है आपको सर्च में क्लिक कर देना है। दोस्तों ऐसे ही तरीका से आपको जो है अपना स्टेट का नाम, जिले का नाम हर एक देख के यहाँ पे सर्च करना है। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फील्ड डेवलपमेंट ऑफिसर का यह जॉब है, जूनियर असिस्टेंट का यह जॉब है, और हाउसकीपिंग का यह जॉब है, आपके सामने यहाँ पे निकल के आ चुका है। यहाँ पे आप लोग ऊपर में देख सकते हैं apps.aashirvad.com। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल जेनुइन तरीका से दिखाता हूँ कि कैसे जो है यहाँ पे आप लोग आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे जाना है, और नीचे जाने के बाद आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे आपको जो है एज लिमिट यहाँ पे शो करेगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कौन से के लिए क्या क्या एज लिमिट चाहिए, मैंने पहले ही हर एक चीज दिखा दिया है। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो एफडीओ के लिए बस यहाँ पे आपको 12वीं पास होना चाहिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पे जो है ग्रेजुएट होना चाहिए, और यहाँ पे हाउस कीपिंग के लिए जस्ट यहाँ पे आपको मेट्रिकुलेशन यानी कि बस यहाँ पे आपको 10वीं पास होना चाहिए। इसके बाद आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना जो है क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आप लोग 10वीं पास है तो आप लोग इसमें क्लिक कीजिए। इसके बाद पोस्ट यहाँ पे जो है सिलेक्ट पोस्ट का यहाँ पे दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट पोस्ट में क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हाउस कीपिंग असिस्टेंट आपको ये जॉब चाहिए तो आप लोग इसमें क्लिक कीजिए। इसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है अप्लाई नाउ के बटन में क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मैं इसको फिर से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है फील्ड डेवलपमेंट ऑफिसर का ये जॉब है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वैकेंसी जो है 10 है यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जो है हर एक चीज यहाँ पे दिखाई देगा, मैंने जैसे दिखाया था। आप लोग अपने जगह के हिसाब से यहाँ पे जॉब ढूंढ के आवेदन कीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई नाउ के बटन में क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप लोग यहाँ पे अप्लाई नाउ के बटन में क्लिक कर देंगे, इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अपना जो है ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद जो है अपना आईडी यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं, जैसे मुझे आधार कार्ड देना है तो आधार कार्ड यहाँ पे आईडी देना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो है यहाँ पे अपना नंबर दे देना है, और यहाँ पे जो है ओटीपी में क्लिक कर देना है। दोस्तों हर एक डिटेल्स को अभी से यहाँ पे बारीकी से समझिएगा, मैं अभी आपको यहाँ पे जो है फॉर्म फिलअप करके दिखा रहा हूँ। अप्लाई नाउ के बटन में क्लिक करने के बाद आप लोग जो है ये वाला पेज में पहुंच जाएंगे। इसके बाद आप लोग यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद अपना नाम देना है दोस्तों, यहाँ पे नीचे देखिए यहाँ पे अपना हाउस का नाम देना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम देना है, स्टेट का नाम देना है, यहाँ पे जो है डेट ऑफ बर्थ देना है, यहाँ पे जो है जेंडर देना है, यहाँ पे जो है पिन कोड देना है, इसके बाद यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल आईडी देना है, ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है। दोस्तों करिएगा खुद, यहाँ पे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ जाए आप लोग यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, हम लोग आपकी सहायता जरूर करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अपना एजुकेशन डिटेल्स देना है, यहाँ पे अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कितना है। जैसे मेरे पास यहाँ पे अगर मेट्रिकुलेशन है, जस्ट मैं 10th पास हूँ तो मैं इसमें क्लिक करूंगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कौन से यूनिवर्सिटी से या फिर कौन से बोर्ड से आप लोग यहाँ पे पास किए, अपना परसेंटेज, अपने ईयर ऑफ पास आउट, अपने कौन से ईयर में यहाँ पे पास आउट किया है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर। इसके बाद यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट डिटेल, यहाँ पे आईएफएससी कोड वगैरह देना है जहाँ पे आपको जो है सैलरी दिया जाएगा, पैन कार्ड नंबर। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कॉन्फर्म में क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका यहाँ पे सक्सेसफुली आवेदन हो जाएगा। सो गाइस मैंने यहाँ पे आपको पूरा आवेदन करके दिखा दिया है कि कैसे आपको जो है यहाँ पे आवेदन करना है। अगर फिर भी आपको यहाँ पे आवेदन करने में कोई भी दिक्कत आ जाए आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं, हम लोग आपकी सहायता जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए बहुत ही बढ़िया जॉब रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और अपना ख्याल रखिएगा जरूर।